महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्री मद भागवत कथा श्री राम कथा भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए उन्होंने शंकर जी ने नमन किया भगवान राम जी को कि आप मुझे प्रेरणा दो कि अब मैं धर्म का निर्वहन कैसे करूं। तो सुमनत राम हृदय अस आवा, राम जी को स्मरण करते ही शंकर जी के हृदय में एक प्रेरणा आई। क्या? कि एही तन सते ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प तीन मन मान। एही तन सते ही भेंट कोहे नाही, शिव संकल्प सती जी के साथ में पत्नीवत व्यवहार नहीं होगा, अब ये माँ हो गई है मेरी, आराधनिया वंदनिया हो गई। अस विचार शंकर मत धीरा, और चले भवन सुमिरत, अपने भवन के लिए गए। और भवन कहाँ है शंकर जी का? रामचरितमानस में लिखा है कि स्कंदा कांड में, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसन, काशी की ओर चल दिए। लेकिन महाराज ये देवता भी क्या ना कर दें, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत गिराई, जय हो महाराज जय हो, क्या गजब की आपने प्रतिज्ञा की है। असपन तुम्हें करें को आना, राम भगत स्मृत भगवाना, आपके अलावा ऐसा कोई आपकी ऐसी कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर ही नहीं सकता। ये देवताओं की कहीं कहीं आकाशवाणी बड़ी विचित्र लगती है। आराम से देवकी और वसुदेव जी चले जा रहे थे, अब आकाशवाणी कर दी, कितने कष्ट उठाने पड़े। अस्यास्तमु गर्वो हंतायाम वैसे उदा, इसी के आठवें पुत्र। अरे महाराज जब होता तो होता, उतने दिन तो आराम से रहते, लेकिन कुछ रीजन था। उन्होंने सोचा देवकी अपने भैया को सब कुछ मान रही है, इसलिए जिस संसार में हम प्रेम कर रहे हैं उसकी असलियत भी तो देखो, भगवान से ज्यादा हम उनको मानने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसको ये घोषणा नहीं हुई तो ये देवकी पहचान ही नहीं पाएगी। हर चेहरे में होते हैं दसवीं चेहरे, और जिसको भी देखना हो दसवीं बार देखना। रावण तो भला था, वो कम से कम उसके 10 चेहरे अलग अलग दिखलाई पड़ते थे तो रावण पहचान में आ जाता था कि यही रावण है। लेकिन कलयुग में हर एक इंसान के अंदर में प्रायः रावण बैठे हुए हैं, और इसलिए हर एक चेहरे में रहते हैं दसवीं चेहरे, और जिसको भी देखना हो दसवीं बार देखना, तब आपको पता लगेगा कल कुछ और चेहरा था आज कुछ और चेहरा है। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज देवकी तू देख ले तेरे भाई को, जो तू इतना प्रेम कर रही ना इसको, ये देख ले। हाँ, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, शरणर मुनि सब की यह रीति। हे तु रहत जग जुग उपकारी, स्वार्थ रहत संसार में यदि उपकार करने वाले कोई है तो या तो हे ईश्वर तुम हो या तुम्हारे भक्त संत हैं, इसके अतावर स्वार्थ रहत संसार में कोई नहीं है। आकाशवाणी हो गई कि तुम्हें बिना स्मृत कराए को आना, राम भगत स्मृत, राम की ऐसी सामर्थ आप में ही ऐसी भक्ति। अब सती जी ने कहा कि महाराज अगर पति कोई प्रतिज्ञा करे तो सबसे पहले किसको पता लगना चाहिए? पत्नी को लगना चाहिए। और विदेश को पता लग गया है? विदेश को पता लग गया, आकाश से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं कि आपने कोई ऐसी प्रतिज्ञा की है, तुम्हें बिना अस्मृत करे को आना।
और मैं आपकी गृहिणी हूं और मुझे ही पता नहीं। सत्य जी सामने आकर के खड़ी हुई, कीन कवन प्रण कहो कृपाला, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? अब देखो जो व्यक्ति गलती करता है ना उसे डर तो रहता है कि शायद मेरी पोल पट्टी ना खुल गई हो, इसलिए उसके लहजे बदल जाते हैं, इसलिए वाणी में प्रकंपन आ गया। और शंकर जी के लिए उनका कीन कवन अप्रण और शब्द क्या कहा? कृपाला, आप दयालु हैं, अगर गलती भी हो गई हो तो आप क्षमा करना, इसलिए आप बताओ कीन कवन अप्रण कहो कृपाला। और हाँ, और यहाँ पर भी सती जी ने भी फिर वही शब्द बोला जो शंकर जी ने कहा था कि लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात, सत्य बात बताना। तो यहाँ सती जी भी अब भगवान शंकर जी से क्या कह रही हैं कि कीन कवन अपन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, आप सत्य धाम हो, आपके आपके सत्य में जो घर में जो रखा रहता है वही निकलता है, आप सत्य धाम हो, झूठ मत बोलना, सही सही बात बताओ। आपने आज शंकर जी ने पहली बार सत्य जी से कहा कि तुम सत्य बोलना और वो झूठ बोली, और आज वो शंकर जी से कह रहे हैं कि आप सत्य बोलना। और जब पति पत्नी के बीच में ये शब्द आ जाए कि सत्य बोलना सत्य बोलना सत्य बोलना, इसका मतलब एक दूसरे से विश्वास खत्म हो गया, और जहाँ से विश्वास खत्म हो जाता है परिवार बिखर जाता है। इसलिए ये रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, इसलिए उनका कीन कवन प्रण कहो कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। लेकिन जदप सती पूछा बहुबाती तदपना, भगवान शंकर जी से कई बार से उन्होंने पूछा, लेकिन फिर भी भगवान शंकर जी ने कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जिसको सुनने से अगर अप्रिय दुख लगे तो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से, लेकिन सती जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, रास्ते में तो मैं ज़्यादा नाटक कर नहीं सकती, घर चलो, घर चल करके मैं त्रिया चरित्र जब करूँगी तो उगलवा ही लूँगी आपने क्या कहा है। और माताएं फिर जब जो चरित्र करें तो फिर पूछना क्या महाराज, पूरे आंगन में फिर पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले एक कोने पर बैठ करके गंगा जमुना सरस्वती की धारा बहेगी, और जब वहाँ पर मनाने के लिए जाएंगे तो फिर वहाँ से उठेंगे तो फिर दूसरे कोने में जा करके गंगा जमुना की धारा प्रवाहित होगी, और फिर अपने आप पूरे घर में पोछा लग जाएगा। तो महाराज कीन कवन अपन, अब सती जी ने कहा कोई बात नहीं चलने दो, वहाँ पर जाकर के पूछेंगे। भगवान शंकर जी भी कब नहीं थे, कहाँ चले थे बोलो, चले भवन सुमिरत रघुनाथा, कहाँ चले भवन, भवन कहाँ है काशी, और विश्वनाथ पहुंचे रास्ता चौराहा बदल गया, बोले हमें ऐसी जगह जाएगी नहीं जा कब रहे हो। भगवान शंकर जी ने बीच में, क्योंकि काशी भी दो है बाबा विश्वनाथ की, एक बिहार स्थली है, जैसे नंदनंदन श्याम सुंदर का घर कहाँ है, उनके नंदगांव गोकुल, लेकिन बिहार स्थली उनकी क्या है, श्रीमद वृंदावन धाम। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी की जो बिहार स्थल, भगवान राम जी की जो बिहार स्थली है वो धाम कहाँ है, अयोध्या, लेकिन जो बिहार सुख बिहार स्थली कौन सी है, बिलास स्थली चित्रकूट धाम है, भगवान जी ने बिलास वहाँ किया है। और प्रमाण क्या है, एक बार चुन कुसुम सुहाए नजकर भूषण राम बनाए, शीतें पहराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर सुरपति सुतदर, ये इसलिए बिलास स्थली है, सुख बिलास। रामानंद संप्रदाय में पूछा जाता है रामोपासकों से कि तुम्हारा सुख विलास क्या है राम जी का, कहते चित्रकूट। ऐसे ही भगवान शंकर जी का भवन काशी में है, लेकिन सुख विलास क्या है, उत्तरकाशी। यही विधि गरण समेत बसें कैलासा, करें विविधि विधि भोग विलासा, विलास स्थली। सो भगवान शंकर जी जा रहे थे काशी के लिए, चले भवन सुमृत रघुनाथा, लेकिन विश्वनाथ पहुंचे मतलब एक बार में, मतलब कहीं और जा रहे हो और चलते घूमते फिरते हो देश ना हो और कहीं के कहीं पहुंच जाए, एक बार में वहां पहुंच गया तो विश्वनाथ पहुंच गए, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। पर सती जी ने सोचा ये तो उन्होंने जगह ही बदल दी, अब मैं क्या करूं। अब उसके बाद में सती जी ने चिंतन किया, चलो कोई बात नहीं गुफा में ले जाती हूँ और सारे गणों को बाहर लगा दूंगी, उसी में जाकर के मनाऊंगी। लेकिन भगवान शंकर जी ने देखा कि सती जी अभी गुफा के अंदर सफाई करने के लिए गई हैं, और ये जो ही मैं गुफा के अंदर में प्रवेश किया इनका रोना गाना शुरू हो जाएगा, ये पूछेंगे कि इनका वन अपन कहो कृपाला। भगवान शंकर जी ने चारों तरफ नजर डाली, बट वृक्ष देखा और बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संभा, शंकर सहज स्वरूप
अखंडे अपारा। साज समाधि ये साज स्वरूप है भगवान शंकर, शंकर सहज स्वरूप समाधि। भगवान शंकर जी कहते हैं कि दुनिया के लोग अगर आपको भक्ति से विरत करने की चेष्टा भी करें तो बिल्कुल मत होने देना। आप अपनी लगन भगवान से जोड़ करके रखना कि हमें है काम ईश्वर से। संसार के लोग अगर आपको कथा सुनने से रूठे तो रूठ जाओ। इसलिए परिवार अपनी जगह मौज आनंद में लेते रहे, लेते रहो। एक बार बड़े गजब की बात मुझे याद आती है कि दिल्ली के लोग कुछ हमारी कथा कराने के लिए ले गए हमको हरिद्वार, और सप्त धारा है जहां पर, सत धारा के पास में बड़ा अच्छा पांडाल लगाया कथा होती थी। उस समय पर दोनों समय भागवत कथा होती थी, सुबह के सत्र में भी शाम के भी सत्र में। तो जो मुख्य यजमान पूरे लोग थे, समिति के लोगों ने मिलकर के आयोजन करवाया था, और काफी लोग लगभग 600-700 लोग वहां जाकर के पूरा अग्रवाल भवन और कई धर्मशालाएं लेकर के। एक दिन मेरे पास में शायद कृष्ण जन्म था, कोई महत्वपूर्ण पर्व था, इनमें से हमारे दीनदयाल जी रहे होंगे साथ, कैलाश अग्रवाल जी थे, तो वो हमारे पास में आए। कहा महाराज जी एक निवेदन है। हम कहा बताओ। अगर आप आज्ञा, बैठ गए पांव दबाने लगे। अगर आप मानो तो फिर हम कहें, नहीं तो फिर आप, क्योंकि फिर वो मेरा स्वभाव है थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी मानता नहीं हूँ बातों को। और उन्हें पाँव तो वर्ग बोले महाराज अगर मान जाओ तो फिर हम कहें, नहीं तो नहीं कहें। उनका बताओ क्या बात है। कहा महाराज आज क्या है, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट चल रहा है, तो वो इस टाइम पर आने वाला है और लोग आएंगे नहीं सुनने वाले, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज आप सुबह का सत्र कैंसिल कर दो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा है। हमने कहा कि तुमको कैसे, तुमने हिम्मत जुटा ली कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट को देखने के लिए कथा बंद कर दें। हमने कहा कि भैया तुम जिनको दिखाना है उनको दिखा दो, टीवी खोल के रख दो, लेकिन हम तो कथा करेंगे। ब्यास गति थोड़ी सुनी होगी, क्या मतलब है। और बैठ गए। और उस दिन मैं आपको सच बताता हूँ, उस दिन ज़्यादा श्रोता है वो। फिर मैं उनको देख करके बाद में बोला, कहो उस दिन और भी ज्यादा है। महाराज जो भक्त लोग हैं, जो कथा के लोग हैं, उन्हें कहाँ मतलब है, कहाँ उनको फुर्सत है कि ये एक छोटी सी बाल की, पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं। इतना इधर से मारे, उधर से मारे, ओवर हो गया, गिर गया, पड़ गया, पता नहीं छोटी सी। अरे मैं तो ये सोचता था कि खेल तो बच्चों का होता है, 15-16 वर्ष तक का लड़का खोलता है खेल, लेकिन ये तो अधेड़ अवस्था के लोग खेल रहे हैं। कहते कि खेल चल रहा है, ये खेल कहाँ है। बड़ा विचित्र बात। और मुख्य यजमान बेचारे बड़े भोले थे, कोई दोष नहीं था उनके अंदर में, बहुत भोले थे, उनको अकेले नहीं आए होंगे, उनसे कुछ लोगों ने कहा होगा कि आप ही महाराज जी से कहो, महाराज जी आपका कहना मान लेंगे। आ गए वो मेरे पास में, हमने उनको फटकारा। हमने कहा कि किसके लिए आप कथा बंद करेंगे। अमेरिका में एक बार भयानक जन्माष्टमी के बाद में एक हेरिकेन आया, आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, कितने घर उजड़ गए थे, वहां तो पहले से पता लग जाता है। न्यूयॉर्क में कथा थी मेरी जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी के बाद भागवत कथा शुरू होती थी। अब पेपर में न्यूज में बराबर आ रहा था कि इतना तूफान आएगा, घर गिर जाएंगे, ये होगा वो होगा, कोई भी बाहर नहीं निकले, लाइट काट दी जाएगी, और सारी आवश्यक वस्तुएं पहले से ही लेकर के खाने पीने की लाइट फाइट रख लीजिए। अब उसके बाद में हमारे ट्रस्टियों ने कहा कि महाराज ये 2 दिन तो कथा बंद रखनी पड़ेगी। हमने कहा क्यों, बोले 2 दिन तो हेरिकेन आने वाला है। बोले हमने कहा हमारा तो ये स्वभाव नहीं, हम तो ब्यास गद्दी पर बैठेंगे, और कोई नहीं, अगल बगल में पुजारी जी हैं, पुजारियों की 4-5 पुजारी थे उनका, उनकी पत्नियां, और वो लोग आ जाएंगे कथा हो। अब वहाँ पर 150-200 लोग आ जाएं तो बहुत माने जाते हैं अमेरिका में, अभी तो इधर भी अपनी ऐसी संख्या होगी। तो महाराज वहाँ पर जब वो उतने आ जाए तो बहुत होते हैं, लेकिन महाराज हेरिकेन के दिन में मैंने रात में तो मैं सो गया, लाइट फाइट तो कटी, लेकिन सुबह जब मैं उठा तब जरूर मैंने कुछ पेड़ वेड़ गिरे हुए देखे, एक आध दो मकान भी उड़ गए देखे, लेकिन कथा मैंने की। और कथा जब मैंने की तो उस दिन की संख्या में लगभग 85-100 के लगभग लोग उस परिस्थिति में भी गाड़ी चला करके वहाँ पर आए। ट्रस्टियों को लज्जित होना पड़ा, मंदिर के लोगों को, और फिर उन्होंने एक बाय एक तत्काल में खिचड़ी बनवाई, क्योंकि रोज प्रसाद बनता था, क्या करें। हमने कहा व्यास गद्दी नहीं रुकेगी, हमने कहा ये तो कथा, तो अगर व्यास गद्दी रुक गई तो फिर मतलब क्या रहा।
भगवान शंकर जी कहते हैं दुनिया रूठे तो रूठने दो, लेकिन हम तो अपने परमात्मा के प्रेम में निमग्न हैं, इसलिए हमें कोई भी किसी की परवाह नहीं।